सुधा जी, स्वागत है आपका। जी हेलो। जी मैम। मुझे गैस बनती है, गैस बहुत ज्यादा बनती है दिमाग में, और दिमाग में चला मांग रहता है, भूख लगती नहीं मुझे। दिमाग दिमाग में गैस चढ़ती है। में दर्द करती है और क्या कहते हैं, भूख लगती नहीं है, पेट उतना रहता है ठीक है, और ठीक भूख है लगती नहीं मुझे। जी। देखिए, एक नुस्खा बना लीजिए और वो इस्तेमाल करें। वो आपके पेट की समस्या, भूख लगने की समस्या, एसिडिटी की या पेट फूलने की समस्या और दिमाग में गैस जाने की समस्या को आराम दे सकता है। ये नुस्खा कुछ यूँ है कि एक चीज़ है जिसको कहते हैं सौंफ। आप सभी महिलाएं जानती हैं सौंफ क्या होती है। 100 ग्राम सौंफ लें और 100 ग्राम सौंठ। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये आप लिख लें। मैं एक बार और बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये 6 चीज़ें खूब बारीक पाउडर बना के, चूर्ण बना के रख लें। एक आता है नमक जैतून, ये एक दुनिया का विशेष नमक है जो इस तरह की समस्याओं को ख़त्म करता है। नमक जैतून असली लेना ज़रूरी है, नकली भी मिलता है। नमक जैतून एक चुटकी पानी में मिलाएं और इस पानी से ये 6 चीज़ों का जो चूर्ण है, पाउडर है, दिन में एक बार या दो बार खाने से पहले खा लिया करें, आपकी ये सारी समस्याएं अच्छी होना मुमकिन है। नूरजहां, स्वागत है आपका। अच्छा हाँ जी, जी मैम। मैं ये कह रही हूँ कि कुछ दिन तो दुखन सी थी ठीक है। और फिर उस पे वो बवासीर का हिसाब हुआ, खून सा जाने लगा, खून जा रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए, पेट ठीक रखने की कोशिश करें। पेट ठीक रखना और ही मतलब है कि बवासीर ठीक रह सकती है। एक नुस्खा बना लें और उसका इस्तेमाल करें 2-3 महीने लगातार, अगर आप ये चाहते हैं कि ये खूनी बवासीर और पेट भी ठीक रहने लगे। देखिए, नुस्खा कुछ यूँ है कि कत्था जो आता है, पान वाला, पनवाड़ी कत्था लगाता है ना पान पे, वो कत्था लें। उसे कहते हैं हम लोग अपनी लैंग्वेज में कत्था सफ़ेद। 100 ग्राम ले लें कत्था सफ़ेद।